सर्कस 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 जल संसाधन विभाग द्वारा राजीव मेले में कैसा सर्कस का प्रदर्शन कराया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कि कई फीट ऊंचाई पर पतले सतह पर चलकर सर्कस का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। पूर्ण रूप से विभागीय लापरवाही। राजीव मेले के समापन के एक दिन पूर्व, जबकि कल 1 तारीख को इसका उद्घाटन भी होना है, और इस तरह का विभागीय लापरवाही आप देख सकते हैं जल संसाधन विभाग द्वारा। जल संसाधन विभाग के आधुनिक इंजीनियरों का मैं एक करतूत आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। राजिम धर्म नगरी, ऐतिहासिक नगरी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की प्रयाग नगरी है, और इस प्रयाग नगरी का कैसा नाम खराब करना है या वहाँ हो रहे काम को कैसे खराब करना है, यह उस विभाग का एक करतूत मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल संसाधन विभाग के द्वारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये करीबन 5 साल हो गए, यह जो लक्ष्मण झूला है, सस्पेंशन ब्रिज है, बनाया जा रहा था, जो कि लगभग अपूर्ण अभी भी है। जबकि इस लक्ष्मण झूले सस्पेंशन ब्रिज का कल 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन इसका लोकार्पण छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल के कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा। लेकिन जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का यह करतूत, जो कि सबसे सोचा जाए तो कोई भी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं किया है वह भी खुले आँख से देखकर बता सकता है कि जो सस्पेंशन ब्रिज में क्या खामियां हैं, किस प्रकार से गुणवत्ता विहीन और काम में अभी भी अपूर्ण है। आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ये जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, ये जो आर्च बना हुआ है, इस आर्च जो है प्लेन आर्च है, वहीं एक तरफ दूसरे आर्च कुलेश्वरनाथ मंदिर लोमा श्रीसी आश्रम के समय दूसरा जो आर्च है उसमें बकायदा मुकुट नुमा आर्च बनाया गया है। ये किस प्रकार का काम है या कार्य है या समझ से परे है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब ये जो आर्च है मेरे पीछे, जो आर्च बना हुआ है, ये आर्च आज से करीबन 2 महीने पहले डिफेक्टिव था, उसमें कुछ खामियां पाई गई थी, उसको उतार कर फिर से बनाया गया। उस खराब जो आर्च में उसमें भी कुछ मुकुटनुमा बनाया गया था, क्योंकि उस डिफेक्ट जो डिफेक्ट था उसे छुपाने के लिए। फिर अब ये देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो इंजीनियर है, जो सरकारी इंजीनियर है, अब उसका काम देख सकते हैं, और साथ ही अभी तक यह कार्य चल रहा है, जबकि इस कार्य को हफ्ता दिन पहले या 15 दिन पहले इस कार्य को पूर्ण हो जाना था। लेकिन जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का करतूत आप देख सकते हैं, कैसे वे शासन को गुमराह कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन कांग्रेस की सरकार को गुमराह कर इसका लोकार्पण छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के कर कमलों से किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, कल छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े बड़े नेता साथ ही मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन क्या इस प्रकार के जो खामियां हैं, एक आर्च में बकायदा मुकुट नुमा बनाया गया, एक आर्च को टकला मुंडा छोड़ दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि जल संसाधन विभाग द्वारा किस प्रकार से कार्य किया होगा। कहीं ना कहीं यह सोचने और समझने वाली बात है, कहीं ना कहीं इस कार्य में ठेकेदार की जो है कार्य को जल्दी से करवाने का एक प्रकार से प्रेशर था, इसी वजह से यह कार्य जो है अब तक अपूर्ण है। और भी सकता है कि यह जो कार्य है लोकार्पण होने के बाद भी यह कार्य पेंशन ब्रिज का कार्य अपूर्ण रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस प्रकार के कार्यों के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभाग के मंत्री क्या इस प्रकार के जो काम में अपूर्णता है, जो काम पूर्ण नहीं हुआ है, उस पर क्या एक्शन लेते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जनहित के मुद्दों का खबर है, और यह जो सस्पेंशन ब्रिज जो बना हुआ है वह आम जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ है, तो यह जो मुद्दा है ये आप ही के लिए है, और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं नागिन निषाद और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।